नमस्कार। अब नया चैप्टर बीमा संबंधी दावे इंश्योरेंस क्लेम। बहुत सिंपल चैप्टर, पांचवी क्लास की गणित, सिंपल। यदि किसी व्यापारी के गोदाम में, दुकान में या शोरूम में आग लग जाए या चोरी हो जाए या किसी अन्य कारण से हानि हो जाए, तो उस हानि से बचने के लिए वह बीमा करवाता है। और ये बीमा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो प्रकार का है। पहला, माल की हानि हो गई, और दूसरा परिणामी हानि। तो पहले हम दोनों वर्ड को समझेंगे। माल की हानि का अर्थ क्या हुआ? पहला, गोदाम या शोरूम में आग लग गई, फॉर एग्जाम्पल। उस समय माल आपने फाइंड आउट किया 6,000 का होना चाहिए, आपने बचा लिया 500 रुपये का, तो 5,500 की हानि हो गई। ये तो अब माल की हानि, जिसे बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। सेकेंड, परिणामी हानि का अर्थ क्या है? यदि व्यापार में आग लगने कारण या किसी अन्य कारण से डिस्टर्बेंस आ गया, व्यवधान आ गया, तो बिक्री में कमी आ गई, तो बिक्री में कमी आने के कारण या सेल कम होने के कारण जो लाभ व्यापारी नहीं कमा पाया, वह लाभ जो नहीं कमा पाया, उसी को बोलते हैं परिणामी हानि। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यापारी की नॉर्मल सेल होती है 1,00,000 रुपया, और वो प्रॉफिट कमाता है 10%, अर्थात उसकी इनकम 10,000 रुपये होती है। आग लग गई और आग लगने के कारण वो सेल घट के उसकी रह गई 30,000। यदि आग नहीं लगती तो सेल होती 1,00,000, अब सेल हुई 30,000, तो सेल कितनी कम हुई? 17,000। 17,000 का 10%, अर्थात 7,000 रुपये वो कमा नहीं पाया, इसी को बोलते हैं परिणामी हानि। ये दो पॉइंट आपके, इसका मीनिंग। अब इसे तीन वर्ड और है, बीमित राशि, बीमा योग्य राशि और औसत बाकी धारा। ये चार वर्ड आपके कंसेप्चुअल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि थ्योरी का सवाल बनता है और जब आप सवाल करेंगे इसके न्यूमेरिकल, तो यही पॉइंट काम आएंगे। पहला है बीमित राशि। व्यापार के द्वारा जो पॉलिसी ली जाती है बीमा कंपनी से, उसकी अमाउंट को कहा जाता है बीमित राशि। अर्थात बीमित राशि का अर्थ है पॉलिसी के अमाउंट। मान लो पॉलिसी ली आपने 40,000 की, तो ये कहलाएगा बीमित राशि या पॉलिसी की राशि, दोनों का मीनिंग सेम है। नंबर 2, बीमक, इसका अर्थ होता है कि जिस कंपनी ने आपका बीमा किया, उस कंपनी का नाम क्या है, चाहे वो LIC है, चाहे नेशनल इंश्योरेंस है, चाहे रोनाल्ड इंश्योरेंस है, जिस कंपनी ने आपका बीमा किया वो है बीमक। 3, बीमा योग्य राशि, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बीमा कितने अमाउंट का लेना था, बीमा पॉलिसी लेनी थी, आपको कितनी अमाउंट की पॉलिसी लेनी थी, अर्थात आपको कितनी राशि का बीमा करवाना था, ये होता है बीमा योग्य राशि। और आपने कितनी राशि का बीमा कराया, ये है बीमित राशि। इन दोनों को ध्यान से देखो। आपको बीमा करवाना था 40,000 का, और आपने करवाया 30,000 का, तो 40,000 को कहा जाएगा बीमा योग्य राशि और 30,000 को कहा जाएगा बीमित राशि। ये भी हो सकता है कि बीमा योग्य राशि थी 80,000 और आपने बीमा भी कराया 80,000 का। ये भी हो सकता है बीमा योग्य राशि थी 60,000 और आपने बीमा कराया 70,000 का। कोई भी पॉइंट आ सकता है, पर आपको अभी मात्र लैंग्वेज में ध्यान देना है कि बीमित राशि का अर्थ होता है आपके द्वारा, व्यापार के द्वारा पॉलिसी कितने की ली गई, तथा बीमा योग्य राशि का अर्थ होता है आपको कितनी राशि का बीमा करवाना था। अब अगला पॉइंट आता है औसत वाक्य धारा। तो ये औसत वाक्य धारा क्या है और इसका सॉल्व में क्या इफेक्ट पड़ेगा? औसत वाक्य धारा का अर्थ ये होता है कि यदि आपके द्वारा, मतलब व्यापार के द्वारा,
कम बीमा करवाया गया है, कम बीमा करवाया गया है तो दावा या भुगतान आनुपातिक मिलेगा, इंडायरेक्टली कम मिलेगा। औसत वाक्य धारा लॉ का पॉइंट है, एवरेज क्लॉज, इसे बोलेंगे एवरेज क्लॉज, ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज क्लॉज, सी एल ए यू एस ई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, यदि बीमा कम राशि का करवाया गया है तो ऐसी दशा में दावे का भुगतान कम होगा या आनुपातिक होगा। जैसे बीमा योग्य राशि थी 1,00,000 और आपने बीमा कराया 80,000 रुपये का, तो इसका अर्थ हुआ कम बीमा करवाया गया तो भुगतान दावा आनुपातिक मिलेगा। बीमा योग्य राशि थी 50,000 और आपने बीमा कराया 30,000 का तो भुगतान कम मिलेगा। बीमा योग्य राशि थी 10,000 और बीमा आपने कराया 8,000 का तो भुगतान कम मिलेगा। ये इसका अर्थ है। तो एग्जाम साला जो औसत वाक्य धारा क्या है, तो औसत वाक्य धारा ये कहती है कि बीमित राशि बीमा योग्य राशि से कम होने की दशा में, बीमित राशि बीमा योग्य राशि से कम होने की दशा में दावा या भुगतान आनुपातिक या कम मिलेगा, इसका अर्थ ये होता है। अब ये अमाउंट कैसे निकाले जाते हैं, दावे की गणना कैसे होती है, उसके प्रैक्टिकल सवाल कैसे बनते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपके क्लियर है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है, 5 क्लास की गणित है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है नहीं, बहुत आसान, और भगवान की दया से इसमें जो भी सवाल आएगा आप सही कर पाओगे।